हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट ना वो करने जा रहे हैं। तो देखो, ये जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें बेसिक दिया क्या चीज़ दिया है हमें, जो पाई चार्ट होता है जिसे हम सर्कल ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, ये वाला, इसके हम बारे में इसी से रिलेटेड जो है ना पूरे के पूरे क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। ठीक है, कहीं पर आपको ग्राफ बनाना रहेगा इस तरीके से और कहीं पर इसी को देख करके आंसर देना रहेगा। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस ग्राफ को देख करके, इस चार्ट को देख करके हमको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पाई चार्ट से रिनोट करूँगा क्योंकि मुझे बेसिकली मेरे माइंड में बार बार इसे मैं पाई चार्ट ही बोलते रहता हूँ, तो ये मैं पाई चार्ट ही मेरे मुंह में आता है दिन भर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये पाई चार्ट है। अब इसमें होता क्या है कि ये भी एक तरह से डाटा हैंडलिंग का ही आप कह सकते हो एक प्रकार है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग मतलब जो हमने अभी तक आपको बताया कि आप किस तरीके से डाटा को अरेंज करते हो अच्छे से, है ना, उसे हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो डाटा हैंडलिंग के जो अलग अलग तरीके हमने पढ़े, जो हमने हिस्टोग्राम आपको बताया, ठीक है, बार ग्राफ के बारे में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा, तो उसी तरीके से एक होता है हमारा चार्ट। ठीक है, जिसमें सर्कल एक लाइन बनी रहती है, 360 डिग्री का पूरा एक एंगल बने रहता है और उसके अंदर फिर कुछ कुछ परसेंटेज हमको बताए रहते हैं कि जो भी हमें जो भी सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग हमको समझ आ जाता है देख करके। जैसे देखो यहाँ पर ना, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये डांस से रिलेटेड एक सर्वे किया गया, सॉरी म्यूज़िक से रिलेटेड, कि म्यूज़िक किसको किसको कैसा पसंद है, है ना। तो यहाँ पर जो लाइट म्यूज़िक है, हल्का सा म्यूज़िक जो होते हैं, है ना, स्लो म्यूज़िक जिसे हम बोल सकते हैं, तो वैसा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। उसी तरीके से सेमी क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है और फोक म्यूज़िक है। तो क्लासिकल म्यूज़िक आप देख करके ग्राफ को बता सकते हो, यहाँ पर जो चार्ट हमारा, कि यहाँ जो क्लासिकल म्यूजिक है वो सबसे कम लोगों को पसंद है। ठीक है, तो ये मतलब कि देख, ये चार्ट का यही खासियत है कि इसमें हम लोग देख करके बहुत सारे आंसर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा पाई चार्ट। तो हम लोग आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर में, कि हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का जो हम लोग इस वाला वीडियो में करने जा रहे हैं, उसमें हमसे कहा क्या गया है। तो देखो, ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। ठीक है, यानी कि जो यंग लोग हैं एक सिटी में, वो किस टाइप का म्यूजिक को पसंद करते हैं, ये हमको यहाँ पर एक सर्वे किया गया। फिर एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी जो बगल में ज्वाइन किया हुआ है चार्ट ना, शो द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, वो क्या करता है कि इस सर्वे में जो जो चीज़ें फाइंड की गई, पता लगाई गई, उसको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इस चार्ट को देखकर के आपको ये आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि यहाँ पर जो क्लासिकल म्यूजिक कौन सा है, ये वाला है, 10% जो है ना वो कितना बोल रहा है हमको, 20 पीपल। ये देखो जो 10% लिखा है ये परसेंट है, और उसका जो पीपल से रिलेटेड है, टोटल वहाँ पर टोटल कितने पीपल हो गए, टोटल 20 पीपल हो गए। तो इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, यानी कि आप ये बताइए कि अगर क्लासिकल म्यूजिक जो है ना 10% वो कितने हैं, तो वहाँ पर टोटल 20 लोग हैं, तो टोटल में कितने लोग होंगे ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो, कभी भी अगर 10% दिया रहे, 50% दिया रहे, तो ये आप दिमाग में रखना कि जो टोटल होता है ना परसेंट में, ये मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर भाई यहाँ पर आप इतना समझो कि जो टोटल होता है, ठीक है, वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पर हमको जो 20 पीपल दिया गया है वो कितने हैं, तो 10% है, समझ आ रहा है बात ना। तो जब कभी भी हमको कम दिया रहे और 100% निकालना रहे, तो उसका एक छोटा सा एकदम ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ और हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा, और उसी ट्रिक से आपको हमेशा निकालना है, कभी गलत भी नहीं होगा और एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हमको जो 20 पीपल दिया हुआ है ना, वो एक्चुअल में कितने परसेंट हैं। तो वहाँ पर आप अगर चार्ट को देखोगे, तो जो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, जो 20% बताया गया है, वो कितने हैं, मतलब 20 जो पीपल हैं वो कितने परसेंट हैं, तो 10% है। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा सा स्टेटमेंट करके कि जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले हैं वो कितने हैं, तो 10% है। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर बस तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो, आप लिखना सिंपल में कि जो 10% है वो एक्चुअल में कितने हैं, तो 20 पीपल हैं। 10% कितने हो गए, 20 पीपल, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, 100% निकालना है। तो ना कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, जब मैं उसको मतलब जो नॉर्मल हमारे बुक में तरीका दिया रहता है कि आप 100% निकालना है तो नीचे में 100 लिखो, है ना, इस तरीके से इधर मल्टीप्लाई करो, तो उसमें बच्चे लोग बार बार भूल आ जाते हैं, दिमाग से ध्यान से उतर जाता है कि अब कैसे करना है 100% करने की। तो देखो, भूलने नहीं भूलने का एक तरीका ये है, आप क्या करो ना, जैसे ये परसेंट है ना, परसेंट को इधर ही छोड़ दो। ठीक है, ये 20 पहले से इधर है, ये जो 10 है इसको इधर ट्रांसफ़र करो, तो 10 और ये परसेंट आपस में देखो चिपके हुए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो 10 इधर में आएगा, तब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब क्या करना है, हम लोगों को तो 100% निकालना है, तो इधर हमारे पास क्या करना है, अब इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अभी ये कुछ नहीं है यहाँ पर, अभी कुछ नहीं, यानी कि 1 एक छुपा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं 100 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, 100% बन जाएगा। और इधर जब मैं 100 का मल्टीप्लाई किया, तो रूल है कि अगर आप इक्वल
खोल के लेफ्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको राइट में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट में भी आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो देखो 100% निकालने का हमारा ऑटोमेटिक एक क्या बन गया, तरीका निकल के आ गया। बस इसको आप सॉल्व करोगे ना ये इक्वेशन को, तो आपको 100% पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिमाग से कभी नहीं उतरेगा अगर आप ये दिमाग में रखते हो कि मेरे को इधर इसको इधर नीचे ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है केवल छुपा हुआ, तो 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो इधर 100% हो जाएगा। और हमको निकालना ही 100%, हमको बोला है ना कि टोटल कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया, तो टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं। बस अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो। तो देखो ये जा रहा मेरा सीधे से, यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, तो हमारा 100% यहाँ पर कितना निकल गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 200, यानी कि 100% वहाँ पर 200 पीपल हैं। समझ में आ गई बात ना। तो इसका मतलब वहाँ पर टोटल कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है, 200 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया। आप यहाँ पर लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, तो यहाँ पर लिख देना 200 यंग पीपल वेयर सर्वेड। कितना सिंपल है, बस आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। स्टेटमेंट्स वगैरह आप आराम से लिख सकते हो, क्वेश्चन में पूरे स्टेटमेंट छुपे रहते हैं, ठीक है। चलो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं और उसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किस म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, हमको ये तो सीधा सीधा यहीं पर देख कर ही पता चल जा रहा है कि जो लाइट म्यूजिक है इसको सबसे ज़्यादा लोग 40% पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देना कि लाइट म्यूजिक इज ना लाइक्ड बाय द मोस्ट पीपल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूजिक है ना, हाँ, तो यहीं पर आप इसी को उतार दो, विच टाइप ऑफ म्यूजिक के लिए आप क्या कर दो, लाइट म्यूजिक कर दो, लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, बस विच टाइप की जगह में लाइट उतार देना, क्लियर है, आंसर यहीं से मिल गया हमको। चलो जो थर्ड क्वेश्चन है उसको रीड करो, इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, यानी कि एक सीडी बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, 1000 सीडी बनाती है, तो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो बताइए कि वो ये जो है ना, ये टाइप हमें दिए हुए, जो सेमी क्लासिकल दिया हुआ है, क्लासिकल दिया हुआ है, फॉग दिया हुआ है और लाइट दिया हुआ है, इस टाइप के वो कितना कैसेट बनाए ताकि हम लोग सबको मिल जाए। जैसे कि मान लो टोटल 1000 कैसेट बनाया, तो 20% लोगों को चाहिए सेमी क्लासिकल वाला, ठीक है। तो अब 20% ना यहाँ लिखा हुआ है, अब 20% में कितना कैसेट चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना कि 100 कैसेट चाहिए, 200 कैसेट चाहिए, ये हमको यहाँ पर बताना है। समझ आया बात, उसी तरीके से क्लासिकल में कितना कैसेट चाहिए, फॉक के लिए कितना कैसेट चाहिए और लाइट के लिए कितना कैसेट चाहिए, अगर टोटल 1000 कैसेट है तो ये भी एकदम सिंपल है, हमको पता ही है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, 20% निकालना है, कितने का, 1000 का। तो सिंपल आपको जो मैंने आपको रूल बताया है, आइए मैं उसी रूल आपको देता हूँ फिर से कि आप कैसे 20% वगैरह निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सेमी क्लासिकल है उसी का स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो सेमी क्लासिकल के लिए कितने कैसेट चाहिए, तो सेमी क्लासिकल के लिए हमको 20% कैसेट चाहिए, है ना। तो सेमी क्लासिकल लिख लो आप, ठीक है, सेमी क्लासिकल इक्वल टू 20%, ये दिया हुआ है हमको चार्ट में ही, आप चार्ट देखोगे साफ से वहाँ पर सेमी क्लासिकल का 20% है। अब हमको क्या करना है कि 20% ही निकालना है 1000 का, तो यहाँ पर आप लिखो 20% ऑफ 1000, यानी कि टोटल 1000 कैसेट बन रहा है तो उसमें से 20% कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखो कभी भी परसेंट का मतलब क्या होता है पता है, नीचे में एक हमारा 100 छुपा हुआ होता है। एक सेकंड हम लाइट ऑन कर लेते हैं, लाइट कट गई है तो प्लस से आपको ताकि क्लियरली समझ में आए। हाँ तो ये लाइट ऑन हो गया। अब देखो मैं आपसे भूल क्या रहा था कि जो हमारा परसेंट होता है ना, तो आप परसेंट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ोगे कि परसेंट का एक्चुअल मतलब होता है हमारा डिनोमिनेटर में एक 100 छुपा हुआ रहना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बस क्या करना है, उसी 100 को दिखाना है, तो ये हो जाएगा 20/100। समझ आया ना, ये 100 कहाँ से आ गया, परसेंट के बदले में ये 100 आ गया। ऑफ कहीं पर भी लिखा रहे अगर मैथ में, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप क्या करो, मल्टीप्लाई की साइन लगा लो और इस 1000 को उतार दो। बस अब इसको सॉल्व करो और आपको पता चल जाएगा कि 20% कितना होगा 1000 का। तो देखो यहाँ 0 से नीचे के ऊपर के 20 कट हो गया हमारा, तो ये कितना आ गया आंसर, 20 का 10 से नीचे तो देखो 1 आ गया, तो उसको छोड़ दो अब, उसका खेल खत्म। ऊपर में हमारा 20 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा, यानी कि 20% कितना होगा 200 होगा। उसी तरीके से हम लोग बाकी कैसेट्स भी निकाल देंगे, यानी क्लासिकल का देखो कितने कैसेट की जरूरत पड़ेगा, 200 का, मतलब कि क्लासिकल के वो 200 कैसेट बनाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगला क्लासिकल में आ जाते हैं, ये सेमी क्लासिकल था, अब हम लोग क्लासिकल में आ जाते हैं, क्लासिकल में वो कितने कैसेट्स बनाएंगे, तो क्लासिकल के टोटल वहाँ पर कितने पीपल हैं, तो 10% पीपल हैं, तो हम लोग क्या करना है, अब 10% निकालना है 1000 का, तो 10% ऑफ 1000 लिख लो और इसको सॉल्व कर दो। तो ये हमारा कैसे निकल जाएगा, देखो 10/100 लिखना है परसेंट की जगह में, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ और यहाँ पर 1000 लिख दो, ये 20 से हमारा ये 20 कट हुआ, तो अब 10 का मल्टीप्लाई 10 से हो तो कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो सिंपल हमारा 10% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक भी बताऊंगा, चलो जल्दी से पहले हम लोग बेसिक जो तरीका है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फोक म्यूजिक जो है हमारे पास वो कितने हैं, तो फोक म्यूजिक वाले टोटल 30% है, तो आप क्या करो 30% निकाल दो इसी तरीके से सेम, 30% ऑफ
1000, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में 1000, 20 से यहाँ पे 20 कट हुआ, 30 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा, यानी कि फोल्क म्यूजिक का 300 कैसेट उनको बनाना है। उसी तरीके से लास्ट यहीं पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कौन सा बचा हमारा, लाइट म्यूजिक वाला बचा जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं 40%, तो वो भी देखो इसी तरीके से निकलेगा। पूरा लिख लेना इस तरीके से, बाकी यहाँ पर जगह नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। 40 डिवाइड बाई 100 करना, मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, ठीक है। तो 20 से 20 कटेगा, 40 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 हो जाएगा, यानी कि लाइट म्यूजिक वाला टोटल 400 कैसेट उनको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बस बताना कि टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स कितने होंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखो ट्रिक क्या बता रहा था मैं, कि कभी भी जब हमको कोई भी परसेंट निकालने वाला दिया रहे ना, तो परसेंट में बहुत सारे ट्रिक छुपे हुए रहते हैं। जैसे कि देखो 1000 का अगर 10% निकालना रहे तो आप कुछ मत करो, जो भी नंबर दिया रहे ना उसके राइट साइड से 1 डिजिट यानी 10 को हटा दो, तो वो आपको 10% मिल जाएगा। जैसे देखो 1000 का 10% हमारा कितना आया था, 100 आया था ना, हमने क्या किया केवल एक 0 को हटा दिया। जब हमको 10% पता चल गया है, तो जब 10% 100 है तो जाहिर सी बात है 20% 200 होगा, 30% 300 होगा और 40% 400 होगा। ये आप ओरली ही निकाल सकते हो, ये सब हम लोग ट्रिक जो है ना आगे चल करके जो हमारे क्या बोलते हैं परसेंट वाला चैप्टर रहेगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।